गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. दिस अनाउंसमेंट जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी. इट इज़ फॉर ऑल द मेंबर्स इन प्रैक्टिस. जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, और जितने भी आर्टिकल असिस्टेंट्स ऑब्वियसली जो उनके साथ काम करते हैं, एंड स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट या फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीए के हों, सीएस के हों, सीएमए के हों, सबके लिए एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ आया है. ये कोविड टाइम्स चल रहे थे और ऑलरेडी क्या है कि स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे. ऊपर से क्या हुआ कि कारो, आपको पता होगा कोरोना के ठीक पहले ही नया कारो आया था, कारो 2020, और उसको काफ़ी मतलब डिफरेंट है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कारो. उसमें नए क्लॉजेज हैं, ज़्यादा क्लॉजेज हैं और डिटेल इन्फॉर्मेशन है. तो मेंबर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत है कि उनको ऑडिट करते करना पड़ता है उतना ज़्यादा, स्टूडेंट्स के लिए भी मेहनत थी कि उनको पूरा कारो बहुत हैवी पढ़ना पड़ेगा. तो एक ये मतलब अभी कन्फ्यूजन स्टेट चल ही रहा था कि क्या करें, हम लोग ओल्ड कारो पढ़ें कि न्यू कारो पढ़ें एग्ज़ाम के लिए. और बीच में क्या हुआ कि सीए इंस्टीट्यूट ने नया स्टडी मटेरियल जारी कर दिया था जिसमें उन्होंने कारो 20 इंक्लूड किया था. तो इन अ वे इट वाज लाइक कन्फर्म्ड कि अब जो भी स्टूडेंट 2021 में एग्ज़ाम देंगे उनको कारो 20 पढ़ना है. पर सारा गेम चेंज कर दिया एमसीए ने, पूरा का पूरा गेम बदल के रख दिया एमसीए ने. एमसीए ने अनाउंसमेंट डाल दिया egazette.nic.in की वेबसाइट पे, जिसके ऊपर कल मैंने बताया भी था, डिस्कस भी किया था, वीडियो भी बनाया था कि कारो 20 को डेफर कर दिया वन मोर ईयर. मतलब अब 2022 में जो ऑडिट रिपोर्ट इशू होंगी उनमें लगेगा कारो. ये एमसीए के साइट पे नहीं था पर egazette के साइट पे था. ठीक है, नाउ वी हैड टू जस्ट वेट कि लेट अस सी व्हाट आईसीआई सेज. तो आईसीआई भी अनाउंसमेंट लेके अपना आ गया. आईसीए का भी अनाउंसमेंट आ गया है. ये रहा, मैं आईसीए का अनाउंसमेंट आपको दिखाता हूँ. कल, आज 20 दिसंबर है, 19 दिसंबर को कल जब मैं कारो का वो एमसीए वाला ऑर्डर डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ, तब तक ये इन्होंने डाला नहीं था. ये रात को इन्होंने डाला होगा बहुत लेट नाइट पे. तो 19 दिसंबर को सीए इंस्टीट्यूट ने ये अनाउंसमेंट डाल दिया. फर्दर जितना मैं बता रहा हूँ आप देखना एक बार, फर्दर एक्सटेंशन फॉर एप्लीकेबिलिटी बाय वन ईयर, दैट इज फॉर फ्रॉम 1 अप्रैल 2021. इसका मतलब क्या है, इधर देखो. This is to inform you that Ministry of Corporate Affairs, इन्होंने वही बोला है कि Ministry of Corporate Affairs ने एक और साल से extend कर दिया. Hence, या परो top line, accordingly, CARO 20 will be applicable from FY 21-22. यानी जब Chartered Accountants Financial Year 21-22 का audit करेंगे ना, तो उसका audit report वो लोग कब issue करेंगे, 2022 में. Financial Year अगर 21-22 का आप audit कर रहे हो तो आप audit report कब दोगे, 2022 में. तो 2022 में जो audit report आएगा उसके लिए कारो 2020 विल अप्लाई. यानी 2021 पूरे साल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो भी ऑडिट रिपोर्ट देंगे उनको पुराना वाला कारो 2016 ही फॉलो करना है, उनको नया कारो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है और उनके आर्टिकल्स हैं उनके लिए तो गुड न्यूज़ है कि उनको एक बार कारो का अपडेशन करने की ज़रूरत नहीं है. उनका जो भी ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटजी चल रहा था एज पर कारो 16, दे कैन कंटिन्यू इट नेक्स्ट ईयर. जो 2021 में ऑडिट रिपोर्ट्स वैसे ही इशू होंगे, तो उनके लिए तो गुड न्यूज़ है ही. ये देखो इन्होंने लिंक भी दिया है, ये वही लिंक है जो कल मैं शेयर भी किया था, egazette.nic.in. ठीक है, मेंबर्स मे नोट द अबव. तो इंस्टीट्यूट अपने सारे मेंबर्स को बोल रही है कि अब अगले साल आपको कारो 16 ही फॉलो करना, कारो 20 नहीं करना, कारो 20 आप 2022 से करोगे. अब इसका रेपरकशन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स पे भी पड़ेगा. ठीक है, लेट अस सी द हिस्ट्री ऑफ कारो फर्स्ट. ये कारो की अपनी हिस्ट्री है. 25 फरवरी को कारो आया था और बोला गया था इट विल बी एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 वाला ऑडिट. मतलब FY 19-20 का मतलब है कि उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है जो 2020 में आएगी उसमें लगेगा. फिर 24 मार्च को जब वो कोरोना का पहला लॉकडाउन वाला पोर्शन चालू हुआ था तब इन्होंने डेफर कर दिया था एक साल, बोला अगले साल से 2021 से. फिर वापस 17 दिसंबर को इन्होंने वापस पोस्टपोन कर दिया, बोला अभी 2022 से फॉलो करो. ठीक है, ये कारो का हिस्ट्री रहा है. इसका स्टूडेंट्स पे क्या रेपरकशन पड़ता है, जनवरी में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे थे अभी जनवरी 21 में, उनका तो कन्फर्म मालूम ही था कि भाई उनके लिए कारो 16 ही लगेगा, उनके लिए कारो नहीं लगेगा ही नहीं. सबसे ज़्यादा जो परेशानी थी वो इन बेचारों की थी, जो लोग भी एग्ज़ाम मई 21 और नवंबर 21 में देने वाले थे उनको परेशानी थी, क्योंकि स्टडी मटेरियल नया आ गया था इंस्टीट्यूट का और इंस्टीट्यूट ने उसमें लिख भी दिया कारो 2020 पूरा डाल के दिया है. पर अब क्योंकि कारो 20 को सरकार ने ही पोस्टपोन कर दिया है तो एग्ज़ाम से भी वो हट जाएगा. यानी कि अब इंस्टीट्यूट क्या करेगी, बहुत जल्द इंस्टीट्यूट ऑडिट पेपर्स के लिए, जो इंटरमीडिएट और फाइनल में ऑडिट पेपर होता है उसके लिए इंस्टीट्यूट सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल या फिर कॉरिजेंडम इशू करेगी. और उनके लिए इशू करना बहुत आसान है, बिकॉज कारो 16 ही अगर पढ़ना है तो कारो 16 का नोट्स तो इंस्टीट्यूट का बना हुआ है, तो वो तुरंत वही का वही इशू कर देगी. तो अब क्या है
कि जिन स्टूडेंट्स का भी एग्जाम मई 21 या नवंबर 21 में पड़ेगा दे हैव टू स्टडी कारो 16, कोई डाउट ही नहीं है, चाहे तुम सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, तीनों इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स जो हैं जिनका भी एग्जाम मई जून 21 या नवंबर दिसंबर 21 में पड़ेगा, ये क्लियर है कि आपको पुराना कारो ही पढ़ना है, कारो 2016 पढ़ना है, तो यू डोंट प्लीज स्किप इट, यू डू इट। अब कारो 16 तुम आराम से बेखौफ होके पढ़ सकते हो, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स 22 में एग्जाम देंगे, मतलब दो साल बाद, मतलब मई 22 या नवंबर 22, उनको पढ़ना पड़ेगा कारो 20, ठीक है। तो अभी के लिए तो फिलहाल इट्स क्लियर कि नेक्स्ट फुल ईयर तक ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कारो का चिंता करना है और ना स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स को भी वही कारो जो वो पढ़ रहे थे उन्हें वही कारो कंटिन्यू करना है। तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है और ये गुड न्यूज़ भी है कि टेंशन मत लो अब कारो का, कम से कम कारो को तुम कंटिन्यू अब कर सकते हो। सरकार ये जो अनाउंसमेंट लेके आई ये स्टूडेंट्स को लेके तो आई नहीं, ये तो एक्चुअली प्रैक्टिसिंग सीएस को लेके आई, बिकॉज उन लोग बहुत परेशान थे। ये पूरा साल ऐसा गया है कि जब हम लोग फील्ड विजिट पे भी नहीं जा सकते, इफ़ यू नो ऑडिटर्स को ऑफिसर्स में जाना पड़ता है, क्लाइंट ऑफिस में दुनिया भर का विजिट करना पड़ता है, हमारा सारा काम ही क्लाइंट ऑफिस में होता है। अगर तुम किसी सीए फर्म में कभी काम करते हो, जो लोग भी करते हैं जो जानते हैं, हम लोग अपनी सीए की ऑफिस में तो रहते ही नहीं है, हर वक्त तो हम लोग क्लाइंट के यहाँ पड़े रहते हैं, क्लाइंट्स के ही काम होता है। एंड ड्यू टू दिस कोविड वगैरह ये चीज़ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था फील्ड विजिट्स वगैरह पर बहुत, क्योंकि हर जगह आप देखोगे कि वर्किंग आवर्स जो है वो थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं और फिर वो डिस्टेंसिंग की वजह से ज़्यादा काम ऑनलाइन होने लग गया है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी। ऊपर से फिर कारों का भी नया लोड आ गया कि ये लो नया वाला कारो अपडेट करो और मतलब तफ्तीश करो और चेकिंग करो। तो गवर्नमेंट ने सीएस को रिलैक्स करने के लिए अच्छा कदम उठाया कि चलो एक साल तक आपको कारो नया कारो का टेंशन नहीं करना है, बाद में करना है। एज अ साइड इफेक्ट, एज अ बाई प्रोडक्ट स्टूडेंट्स को भी फायदा हो गया कि उनको भी अब नया कारो से अपडेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप समझो अभी जितने भी स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग हैं उसमें बहुत बड़ा बल्क स्टूडेंट्स है जो पहले के हैं, जिन बेचारों का एग्जाम डिफर होते 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 चल ही रहा है, अभी भी कई जन ऑप्ट आउट करके आगे दे रहे हैं। तो इतनी भारी मात्रा में जो स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं उन सबों ने ऑलमोस्ट कारो 2016 पढ़ रखा है, नाउ टू टेल देम कि भाई उसको फाड़ दो और अब नया कारो पढ़ो, तो वो उनके लिए भी बहुत हार्ड हो रहा था। तो ये हुआ बहुत अच्छा स्टूडेंट के, देखो जो अमेंडमेंट आया वो स्टूडेंट को सोच के सरकार नहीं लाई, वो तो सीएलओ को सोच के लाई, पर एज अ साइड इफेक्ट बेनिफिट स्टूडेंट को भी मिल गया। तो सीएस को बेनिफिट मिला, स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला कि अभी आपको पुराना कारो ही पढ़ना है, कारो 16 उसी पे आपको काम करना है, आपको कारो 20 की अभी तो चिंता नहीं करनी है। एज फार एज द स्टूडेंट्स हु आर कंसर्न्ड जो मई 22 या नवंबर 22 में एग्जाम देंगे उनके लिए कारो 20 एप्लीकेबल है, तो वो ड्यू कोर्स में जैसे ही वो भी अनाउंस हो जाएगा कि उनको एप्लीकेबल है, उसकी भी मैं कारो 20 की भी एकदम 20 की डिटेल लेक्चर लेके आई विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, ओके। तो ये अभी एकदम क्लियर हो गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। ऐसे कुछ भी जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बहुत आएंगे मैं वो डिस्कस करता रहूँगा, अगर कारों को लेके फर्दर और कोई अपडेट आया आई विल डेफिनेटली शेयर। थैंक यू।